आज भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा को साजापुर जिले से जोड़ने वाले क्षेत्र के सुगम और किफायती मार्ग छापीहेड़ा नलखेड़ा के पीछे एक वर्ष से अधिक समय से बंद हो गया, जिसको लेकर दर्जन भर से अधिक ग्रामों के लोगों ने छापीहेड़ा जीरापुर मार्ग के स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। पूर्व घोषित इस जाम के संदर्भ में प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस था। जाम के बावजूद प्रशासन की ओर से मौजूद खिलचीपुर तहसीलदार अशोक सेन, स्थानीय नायब तहसीलदार सौरभ शर्मा ने, थाना प्रभारी उमा शंकर मुकाती ने जाम कर रहे लोगों को समझा बुझाकर स्कूली और आवश्यक वाहनों को निकालने का क्रम भी जारी रखा। इन अधिकारियों की समझाइश पर आखिरकार ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंप कर चक्का जाम समाप्त किया। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। वहाँ पे जो ग्रामवासी हैं उधर जो जाते हैं नलखेड़ा तरफ निकलते हैं, उनके द्वारा एक ब्रिज बन रहा है वो जो कुंडलिया डैम से उधर जाने के लिए, छापीहेड़ा से आगे जाने के लिए, तो वो ब्रिज बनना था तो उसमें पानी भरा होने के कारण ठेकेदार द्वारा काम अभी शुरू नहीं किया गया। इसके संबंध में किसानों ने या वहाँ के लोगों ने जाम किया कि हमारा काम उधर ब्रिज बन जाए जिससे वहाँ से निकलना शुरू हो जाए। क्योंकि टेंडर हो चुके थे और उसने ठेकेदार ने अभी काम शुरू नहीं किया, कुछ पानी भरा होने के कारण प्रॉब्लम बता करके, तो उसकी प्रक्रिया जो WRD वालों ने बताई उसकी प्रक्रिया अभी विचाराधीन है, ये हो सकता है रीटेंडर करना पड़े। उसी संबंध में किसानों से बात की, किसान और लोग मान गए उस चीज़ को लेकर के, उन्होंने ज्ञापन दिया, उसी संबंध में अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा गया है। अभी जाम समाप्त हो गया। हाँ, जाम समाप्त हो गया।